नमस्कार साथियों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आप IRCTC कैसे लॉगिन करेंगे। आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से टिकट निकालेंगे। मैं पूरी तरह से बिल्कुल आसान भाषा में आपको एक एक करके एक एक स्टेप में बताऊँगा। आप मेरे साथ प्लीज़ आप जुड़े रहिए। 5 मिनट में मैं आपको एक भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, मैं सारी आपकी कन्फ्यूजन मैं दूर कर दूंगा। इस वीडियो को अंत तक देखिए। शुरू करते हैं वीडियो। IRCTC लॉगिन करते ही आ जाएगा। उसके बाद हम माई प्लान में जाएंगे। माई प्लान में जाके हम कोई भी स्टेशन, पहले कहां से कहां टिकट बुक करना है, मान लीजिए गोरखपुर से LTT हम डेट चूज कर लेंगे। ओके करेंगे। उसके बाद सर्च ट्रेन करेंगे। सर्च ट्रेन करने के बाद बहुत सारा गाड़ी आ गया है। हम कोई भी गाड़ी, जिस गाड़ी से जाना चाहते हैं उस गाड़ी को चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद कौन सा कैटेगरी में जाएंगे, स्लीपर में जाएंगे कि 3A में जाएंगे, 2A में जाएंगे। हम स्लीपर चूज कर लेते हैं। यहाँ पे अवेलेबल बता रहा है 12 जून को, स्लीपर में करते हैं। इसके बाद हम लॉगिन एंड बुक नाउ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम आगे बढ़ने से पहले हमसे यह बोलेगा कि आप जो 4 डिजिट का नंबर सेट किए थे उससे आप लॉगिन कीजिए। तो वह 4 अंक जो हम डाले थे पिन, इजी पिन, उससे हम लॉगिन करेंगे। यहाँ कह रहा है इमेज स्टेयर्स करने के लिए कौन कौन सा स्टेयर्स है। स्टेयर्स स्टेयर्स का मतलब सीढ़ी होता है। खुल रहा है। उसके बाद यह, मैं अपने गंतव्य राज्य द्वारा जारी स्वास्थ्य सलाहकार को पढ़ा है, मैं स्वीकार करता हूं और उसी का पालन करता हूं। आई एग्री पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद हम यहां पे पहले से हम सेव किए होंगे रहेंगे, वहां से कर लेंगे। अगर मान लीजिए पहले से आप सेव नहीं किए हैं तो मैं उसके लिए मैं बता दूंगा कि मास्टर लिस्ट में आप अपना नाम, किसी भी दोस्त का नाम कैसे सेव करेंगे, उसके लिए मैं एक वीडियो जल्दी ही बना दूंगा। उसके बाद हम आएंगे नीचे, अपना मोबाइल नंबर दे देंगे। यहाँ पे पैसेंजर मोबाइल नंबर में नंबर देने के बाद यहाँ पे प्रेफरेंस कोच नंबर में छोड़ देंगे। उसके बाद हम एड्रेस यहाँ चूज करना पड़ेगा, एड्रेस अपना डाल देंगे। अपना जो वैलिड एड्रेस है वो डाल देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे। यहाँ पे पिन नंबर डालेंगे। पिन नंबर डालना बहुत नेसेसरी है। यहाँ सिटी डालेंगे, सिटी यानी आपका जिला। उसके बाद हो गया। पोस्ट ऑफिस डालेंगे, आपका नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस कौन सा है। उसके बाद हम GST टैक्स डिटेल्स फॉर टैक्स बेनिफिट, ये ऑप्शनल इसको छोड़ देंगे, GST नहीं डालना है। उसके बाद आपको पेमेंट मेथड, किस तरह से आपको पेमेंट करना है,
यहाँ पे सबसे आसान रहेगा आप पे थ्रू भीम UPI, कोई भी UPI पिन से आप यहाँ पे सबसे नीचे देखिए ट्रेवल इंश्योरेंस यस या नो कीजिए। तो मैं तो हमेशा यस करता हूँ क्योंकि 49 पैसे में कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने का पूरा डिटेल एक बार देख लेंगे, आप पूरा देख लीजिए सब डिटेल सही है ना, उसके बाद प्रोसेस कर दीजिए। प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे आप यस कर दीजिए। यस करने के बाद आप पेमेंट मेथड पे भीम UPI चूज कर लीजिए। मल्टीपल ऑप्शन है, चाहे आप भीम या UPI में जा सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शन में बहुत सारा ऑप्शन आ जाता है आपको, IRCTC, iPay, फ़ोन पे, जैसे हमारे पास फ़ोन पे का सुविधा है तो फ़ोन पे से हम करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे हम नीचे आके अपना जो UPI जो होता है UPI नंबर फोन पे का आपका UPI नंबर होता है, जैसे आपका मोबाइल नंबर हो गया, उसके बाद @YBL सबका UPI नंबर होता है। उसको वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई क्लिक करते ही आपका नाम आ जाएगा, उसके बाद पे हो जाएगा। पे ऑप्शन आते ही आपको कुछ समय दिया जाएगा, 3 मिनट का समय दिया जाएगा। उस 3 मिनट के समय में आपको एक मैसेज आएगा, अभी उस 3 मिनट के समय में आपको पे कर देना है। अभी ऊपर से नीचे आइए, आ गया। उसके बाद इस मैसेज पर क्लिक कीजिए, चाहे सीधे फ़ोन पे में जाइए, ओपन कीजिए, वो जो लिंक आएगा उस पर क्लिक कीजिए, और विजिट पेज कीजिए, यहाँ अलाउ कीजिए। अलाउ करने के बाद आप फ़ोन पे ऐप में चले गए। यहाँ फ़ोन पे ऐप में जाने के बाद आप यहाँ पे कोई भी अपना बैंक अकाउंट, जो भी बैंक अकाउंट है, वहाँ से आप पे कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना UPI नंबर जो भी है डाल के पे कर सकते हैं। पे करते ही आपका टिकट कंफर्म हो जाएगा और आपके email ID पे चला आएगा और आपके IRCTC ऐप्स में भी सेव हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आप मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। अपने और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद साथियों।